फ्लेम एनर्जी अपडेट, डिवाइन मैस्कुलिन फील्स इमोशनल मर्जिंग। ट्विन फ्लेम एनर्जी पर चंद्रमा मून का बहुत इम्पैक्ट होता है, वैसे तो सभी लोगों पर, सभी लोग, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स पर मून का, चंद्रमा का एनर्जी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। पर क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक मन होता है, जो मन और मून मन का ही कारक है, सो ट्विन फ्लेम एनर्जी पर मून का इम्पैक्ट जो होता है, असर इम्पैक्ट जो होता है, वो कुछ खास इसलिए होता है बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज बेसिकली सोल, यू नो, स्पिरिचुअल जर्नी। इट्स अ सोल, वन सोल इन टू स्प्लिटेड पार्ट इन टू डिफरेंट बॉडीज, दिस इज कॉल्ड ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज पर या ट्विन फ्लेम्स पर मून, चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत ही अधिक होता है। 23 अप्रैल को फुल मून जोडिक साइन स्कॉर्पियो पर होने जा रहा है। मून इज वैक्सिंग एंड द एनर्जी इज इंक्रीजिंग। लास्ट वीक आप अनस्टेबल फील किए होंगे, बहुत लोग वो अब स्टेबिलिटी में आएंगे। थोड़ा चैलेंजिंग तो था आप सबके लिए लास्ट वीक, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस, कुछ ट्विस्ट आपने फील किए होंगे। इसका रीजन सोलर इक्लिप्स, 8 अप्रैल का जो सोलर इक्लिप्स गया उसके बाद का इफेक्ट, उसके बाद मरकरी रेट्रोग्रेड हुई, एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी हुआ, रिलेशनशिप इश्यूज भी रहे, ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप फेस किए होंगे लास्ट फ्यू वीक्स, मतलब से 2 वीक्स तक तो 100%। सबके सिचुएशंस अलग अलग हो सकते हैं, उन सिचुएशंस को, चैलेंजेस को फेस करते हुए यू डिवेलप्ड अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन हाउ द थिंग्स शुड बी डन इन फ्यूचर। मरकरी फिर से अब डायरेक्ट होने जा रहे हैं 25 अप्रैल से फुल मून के बाद। अच्छा, ये जो एनर्जी का अप्स एंड डाउन्स होना या एब एंड फ्लो, जो एब एंड फ्लो हुआ, इसको मैनेज वही कर सकते हैं जो ग्राउंडेड रहें। ये फुल मून जोडिक साइन स्कॉर्पियो में होने से कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस हो सकता है, किसी बात को आप पकड़ कर बैठ सकते हैं जिन्हें लेट गो करने की जरूरत होगी, और यू माइट फाइंड योर सेल्फ थिंकिंग अ लॉट अबाउट इंटीमेसी एंड रोमांस। पर ये फुल मून आपको पुश करेगा कि कैसे आपको लाइफ के और भी बेनिफिशियल साइड्स हैं उन पर वर्क करना चाहिए। तो टोटल और जो एनर्जी रहेगी, मैं जोडिक साइन बेस पे एनर्जी फोकस करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ताकि आप अपने और अपने ट्विन फ्लेम, जो भी आपके आपका जो सन साइन, अगर आप सन साइन से देखते हैं या मून साइन से देखते हैं उस पर आप देख सकते हैं, या अगर आप राइजिंग सन से साइन से देखते हैं उससे भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, मुझे लगता है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि ज़्यादा क्लैरिटी आ सकती है अगर हम जोडिक साइन के अकॉर्डिंग फोकस देखें, या यू नो द चैनल मैसेज को मैं जब भी फोकस करती हूँ तो मुझे लगता है कि जोडिक साइन अकॉर्डिंग रहने से पर्टिकुलर अपने से रिलेट ज़्यादा और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रो करवा दूँ। मैं रूपाली, आपके अपने चैनल एसेंशियल में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो जोडिक साइन फर्स्ट, एरीज जो है, मेष राशि से शुरू करते हैं। ये कैसा रहेगा फुल मून की, यू नो, ओवरऑल इम्पैक्ट आपके राशि में, सभी 12 राशियों की मैं बात करूंगी। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या होगी ड्यूरिंग फुल मून एंड एज वेल एज आफ्टर फुल मून के बाद, जो कि 23 अप्रैल को है। जोडिक साइन से अगर देखा जाए तो एरीज सबसे पहला साइन, अगर आपका और आपके ट्विन फ्लेम का या किसी एक का जोडिक साइन एरीज मेष राशि है, तो आपके लिए फुल मून रियूनियन लेकर आ रहा है। पर अगर आप ग्राउंडेड हैं तभी, अगर आपकी एनर्जी स्टेबल है तो, बट इट ऑल्सो ब्रिंग फ्रिक्शन इफ थिंग्स आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो ध्यान दीजिए आप अभी किस एनर्जी में हैं। जोडिक साइन नंबर 2 टॉरस, एक लेवल अप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आएंगे। अगर आपका या आपके ट्विन फ्लेम का जोडिक साइन
वृषभ राशि हैं तो आप अपने लाइफ में मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कमिंग डेज में, आने वाले कुछ दिनों में, लाइक यू नो मूविंग इन या गेटिंग एंगेज और बीइंग वेड ऑल्सो। तो ये सारी जो मेजर डिसीजंस हैं लाइफ में ये आप लेने जा रहे हैं वृषभ राशि, तो ये आपके सिचुएशन में कौन सी है ये आने वाला समय बताएगा। मेनली मेजर डिसीजन कहीं ना कहीं प्लेस चेंज या मूविंग इन या कुछ एंगेजमेंट या आपकी शादी से भी रिलेटेड हो सकता है। जेमिनाई जोडिक साइन थर्ड, जेमिनाई कर्क राशि, सॉरी जेमिनाई मिथुन राशि, आपके या आपके ट्विन फ्लेम का जोडिक साइन अगर जेमिनाई मिथुन राशि है तो कुछ ना कुछ एंड होने वाला है, टर्निंग पॉइंट है किसी चीज का। ये जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है या कुछ और एरिया में हो सकता है, कुछ एंड होने वाला है जो अब आपके लाइफ में जिसका जरूरत नहीं है वही चीज एंड होगी, तो पॉजिटिविटी के साथ उसको एक्सेप्ट करें। कुछ ऐसा भी एंड हो सकता है जिनसे आप बहुत सालों से कनेक्टेड हैं जो अब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो भी वो चीज़ या वो कुछ हैबिट भी हो सकता है आपकी एंड हो इस फुल मून के दौरान। जोडिक साइन नंबर 4 कैंसर कर्क राशि, अगर आपका या आपके ट्विन फ्लेम की राशि कर्क राशि है तो आप दोनों लव बर्ड्स की तरह फील करेंगे, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आप दोनों के कनेक्शन में देखने को मिलेगा, लाइक पैशन से रिलेटेड या हो सकता है फर्टिलिटी रिलेटेड भी चेंज आप फील कर सकते हैं। तो यू फील मोर रोमांस, मोर पैशनेट, मोर लवी डवी यू नो कनेक्शन, ये कैंसर कर्क राशि के लिए आपकी जोडिक साइन अगर कर्क राशि है, आपकी अगर राशि कैंसर है तो इसके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। जोडिक साइन नंबर 5 लियो, अगर आपका या आपके ट्विन फ्लेम की सिंह राशि है तो आपको अपने इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए इस दौरान, कोई ऐसी बात या एक्शन ना लें जिससे आपको कल पछताना पड़े, कुछ डिसीजंस आपको लेना पड़ सकता है जो आपको या फिर पॉजिटिविटी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नहीं तो टोटली डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। आप जो भी डिसाइड करें बहुत ही सोच समझ कर लियो सिंह राशि। जोडिक साइन नंबर 6 वर्गो, अगर आपका या आपके ट्विन फ्लेम का जोडिक साइन कन्या राशि है तो कम्युनिकेशन में कमिटमेंट में यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिविटी दिख सकती है कि उम्मीद आप कर सकते हैं। यू विल बी फोकस्ड ऑन यू नो लॉकिंग डाउन अ मेजर कॉन्ट्रैक्चुअल एंडियावर, तो ये सारी चीज़ें वर्गो जो कन्या राशि है वहाँ पे वो अगर आपकी या आपके ट्विन फ्लेम की कन्या राशि है तो आपको कमिटमेंट या कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से ईजिली मिलेगा। अगर आप सेपरेशन फेज में हैं तो अचानक आपसे बातचीत होगी या ऐसा कुछ होगा जो यू नो कुछ कमिटमेंट आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलेगा। जोडिक साइन नंबर 7 लीब्रा, आपके लिए फुल मून लेकर आ रहा है कुछ एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा वेल्थ, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा लव, कुछ साइड हसल्स भी हो सकते हैं। लिब्रा तुला राशि, कुछ नए लोग अप्रोच कर सकते हैं तो सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाएं, कुछ सोशल मीडिया से में या फिर आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं जस्ट फॉर अ फ्रेंड यू नो फ्रेंडशिप करने के लिए या टाइम पास के लिए, या आपको कुछ कोई अप्रोच कर सकता है लिब्रंस, तो तुला राशि ऐसे में सोच समझदारी बेहद ज़रूरी होगी इस दौरान। जोडिक साइन नंबर 8 स्कॉर्पियो, आपके जोडिक साइन पर ही फुल मून है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब अगर आप उसको बेनिफिशियल यू नो इसमें अगर देख रहे हैं वे में, तभी डिवाइन टेस्ट का टाइम है वृश्चिक राशि आपके लिए। सिग्निफिकेंट एंडिंग, ब्रेक थ्रू या ब्रेक डाउन, इनमें से कुछ भी फेस करने के लिए रेडी रहें। लाइफ के कुछ चैप्टर्स फेड हो सकता है, एंड हो सकता है, जिसका अब आपकी लाइफ एंड आपकी जर्नी में कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। कुछ फ्रेंड्स या कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपके लाइफ या आपके ट्विन फ्लेम के लाइफ से चले जाएं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियोंस के लिए ये रीडिंग, क्योंकि आप ही के जोडिक साइन में फुल मून है तो ये आप पे एप्लीकेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंटली स्पेसिफिक आप पे एप्लीकेबल है, तो कुछ ब्रेक डाउन हो सकते हैं, कुछ ब्रेक थ्रू या कुछ कुछ चीज़ों का एंड होगा,
कुछ चीज़ों की, या कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इसे आप एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ बेनिफिट अगर आप चाहें, इसे आप बेनिफिशियल अगर वे में देखना चाहें, तो अगर आप सोचें नहीं ये तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे एनर्जी ऐसी होगी जो नेगेटिव वे में जाएगी। तो कुछ भी अगर अभी के लिए, कुछ भी अगर आपके सामने कुछ ब्रेक थ्रू हुए, कुछ 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 ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं जिसका सिग्निफिकेंट एंड, जो कि एंड हो रहा है या फेड हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करें, उसे चैलेंज के तौर पे नहीं, बल्कि उसे एक यू नो गो विद द फ्लो के अकॉर्डिंग उसे लेके एक्सेप्ट करें। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जोडिक साइन नंबर 9 सजिटेरियस के लिए भी ये फुल मून थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, एज यू फोर्स टू फेस योर पास्ट, योर कार्मिक बैगेज, योर एंग्जाइटी एंड योर फियर्स। आपको करना क्या है फिर? प्रोसेस पर फेथ करिए, विश्वास रखिए ट्विन फ्लेम प्रोसेस पर, डिवाइनल विल पर और अपने आप पर। जोडिक साइन नंबर 10 कैप्रिकॉन मकर राशि, सोशल सर्कल पर क्लोज वॉच रखें, अलग एनर्जी से ऑपरेट करेंगे आप, पॉजिटिविटी से भरे हुए पर जोश में होश मत खो दीजिएगा। पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बात है, पर जोश के साथ होश भी बहुत ज़रूरी है। मकर राशि, सोशल सर्कल में चेंज देखा जा सकता है, आपके जो सोशल सर्कल है उसमें चेंज देखा जा सकता है, इसलिए जो भी बात करें, जो भी फैसले लें, जो भी टाइप करें, जो भी लिखें, जो भी आप डे टू डे लाइफ में करें, उसे बहुत अवेयरनेस में यू नो अवेयरनेस के साथ करें, तो जोश बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग बहुत जोश में रहते हैं, पर मेरा मानना है कि जोश के साथ होश बहुत बहुत ज़रूरी होता है। 11th जोड़ी साइन एक्यूरियस कुंभ राशि, आपका इनर वर्क का पे ऑफ का टाइम आ गया है। कुंभ राशि, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, रियूनियन, प्रमोशन, बहुत कुछ आप फिटनेस करेंगे आने वाले 15 दिनों के अंदर। ऐसा सुनते हुए आप इनर वर्क स्टॉप बिल्कुल मत कर दीजिएगा, प्लीज कंटिन्यू विथ होल हार्टेडली एज यू आर डूइंग सो फार। तो इनर वर्क आपको यहाँ तक पहुंचाया है, तो इनर वर्क ही पार भी लगाएगा, मतलब इनर वर्क से ही आप सब कुछ जब हासिल कर रहे हैं तो आगे भी सब कुछ आपको मिलेगा। सो ऐसा नहीं कि इनर वर्क अब साइड में कर दें क्योंकि ये रीडिंग सुन लिया, ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। एक्यूरियस कुंभ राशि, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसिस मीन राशि के लिए बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि फुल मून बहुत स्वीटली इफेक्ट करेगा आपकी राशि में, कुछ अलग करने लगेंगे आप पाइसिस मीन राशि, सब कुछ नया सा फील होगा, वही वही आप वही सब कुछ, पर सिचुएशन नहीं, यू फाइंड योर न्यू पर्सनैलिटी। तो वैसे भी आपकी पाइसिस आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, तो नज़र रखें सुंदर पॉजिटिव चीज़ों पे। तो ये थी ओवरऑल जोडिक साइन रिलेटेड रीडिंग। अब बात करते हैं ओवरऑल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या रहेगी। अब तक जो कंफ्यूजन था, एग्जॉस्ट हो रहे थे, अब टाइम है मर्जिंग एनर्जीज के डेवलप होने का। बहुत पुरानी यू नो जो भी बात अब जो बात अब तक नहीं बोल पा रहे थे, बहुत पुरानी जो दबी हुई बात यू नो अब खुलकर डिवाइन मैस्कुलिन जो बोल नहीं पा रहे थे, अब बोलने का समय आ गया है, बोलने को रेडी हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। दे कांट इग्नोर व्हाट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेस, यू नो इमोशनल इंटीमेसी मैं देख पा रही हूँ, अ टैबू ऑफ ट्रूथ्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि बात कितने साल तक या कितने महीने तक कोई दिल में रखिएगा, अब टाइम आ गया है। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप में से जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, वैसे ये ज़्यादातर कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स पर एप्लीकेबल होगा, जिन्होंने इनर वर्क किया है या कर रहे हैं, जो उनके लिए 100% एप्लीकेबल होगा। जो न्यूबीज हैं वो उनके ऊपर ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी, पर थोड़े टाइम के बाद। आपको अपने ट्विन फ्लेम से, डिवाइन मैस्कुलिन से कम्युनिकेशन 100% मिलेगा। अब डिफेंस करके थक गए हैं डिवाइन यू नो मैस्कुलिन, अपने ही चीज़ों को दबा के एक्सप्रेस ना करके थक गए हैं। कुछ सच्चाई सामने आ सकती है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, कुछ अधिक इमोशनल डीएम की एनर्जी रहेगी।
मन के अंदर क्रांति, अ टाइप ऑफ रेवोल्यूशन। अब वो जो पहले हुआ करते थे वो अब नहीं रहेंगे, उससे चेंज पर्सन आपको नजर आएंगे। अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देख पाते हैं या मिलते हैं रोज़, या पीरियोडिकली भी बातचीत होती है, तो आप अब समझिएगा बातचीत का तरीका, लोगों को हैंडल करने का तरीका, लाइफ रिलेटेड डिसीजंस में चेंज देखने को मिलेगा डिवाइन मैस्कुलिन के साइड में। शेकिंग अप देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, समथिंग पावरफुल इज टेकिंग शेप इन डिवाइन मैस्कुलिन्स लाइफ। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर गेटिंग सेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यू नो। तो ये रहेगी ओवरऑल डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। अब एक बात यहाँ पे, एक बात और, मेजरली इफेक्टेड रहेंगे चार राशियाँ, कौन कौन सी, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्यूरियस। ये जो फुल मून है 23 अप्रैल को, इसमें फोर जोडिक साइंस इफेक्टेड रहेंगे, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। और वैसे 12 राशियां ही इफेक्टेड रहेंगी, लेकिन मेजरली ये चार राशियां इफेक्टेड होंगी। कुछ टिप्स आप सभी के लिए, कॉमन टिप्स जो कि मैं शेयर करने जा रही हूँ, 3 टिप्स। ऑलवेज लीड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन। अगर सिचुएशन थोड़ी ख़राब भी हो या सामने वाला आपको अगर उतना समझ नहीं रहा हो, तो भी आप अपनी अच्छाई ना छोड़ें। नंबर 2, पॉजिटिविटी के साथ ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अभी अपनी ट्विन फ्लेम से सेपरेटेड हैं, तो इसका मीनिंग है कि आप दोनों सेम एनर्जेटिक लेवल पर नहीं हैं, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। किसी सिचुएशन में जगलिंग ना करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3rd, ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलें, ईश्वर को, डिवाइन को, गॉड को, या आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलें। याद रखें, आपको सबसे पहले भगवान का दिल जीतना होगा। तो आपके आपके पास आज जो कुछ भी है, आप हो सकता है सुन के यू आर रेजिंग योर आईब्रोज की मेरे पास आज क्या है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास आज जो कुछ भी है, जस्ट पे ग्रैटिट्यूड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर होम, फॉर योर फैमिली, फॉर योर वेल्थ, फॉर योर फ्रेंड्स। ऑफकोर्स आज आप सभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब हम सभी जिंदा हैं। सो पे ग्रैटिट्यूड फॉर योर लाइफ, फॉर आवर लाइफ्स, ओके। सो ग्रैटिट्यूड ईश्वर भी चाहते, ईश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते, सिंपली ये चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड, हमें जो भी मिला हो, आपको जो भी मिला हो, जस्ट पे ग्रैटिट्यूड, उसके बाद डिवाइन अपना काम करते। जस्ट पे ग्रैटिट्यूड, जैसे आपको, आपने अगर कुछ अच्छा खाना बनाया, या कुछ अच्छा अगर यू नो परफॉर्म किया अपने जॉब में, अपने करियर में, या अगर आपने आपने किसी के साथ कुछ अच्छाई की, आप क्या सोचते हैं कि कम से कम एक चीज़ वो बोले कि हाँ आपने बहुत, सोचते हैं ना, ठीक। वो ईश्वर भी, ईश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहते, ना रुपए, ना पैसे, ना नथिंग, बस सिंपली एक ग्रैटिट्यूड, जो कि हमारा काम भी है, इट्स आवर ड्यूटी, यू नो। हम यू नो, दो आँखें, दो हाथ, दो पैर, सब कुछ बॉडी ऑर्गन्स के साथ हम आज इस पृथ्वी पर आए हैं, सो वी नीड टू पे ग्रैटिट्यूड। कितने लोग यू नो हर रोज रात को सोते हैं और फिर सुबह जगते नहीं, लेकिन हम और आप जगे हैं, तभी हम आप यू नो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पे ग्रैटिट्यूड, जो भी आपके पास है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैलेशियल बिल्डिंग हो, मैंशन हो, या फार्म हाउस के मालिक या मालकिन हो, या आपके पास करोड़ों के प्रॉपर्टी हो, जो भी आपके पास है, जस्ट पे ग्रैटिट्यूड टू गॉड। तो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे आप, और ये रोज़ रोज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि बस कल के दिन, फुल मून के दिन, यू नो 23rd अप्रैल को कर दिया, बस हो गया। वी नीड टू पे ग्रैटिट्यूड इन ईच एंड एवरी डे, यू नो, सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद बोलें कि हाँ आज मैं जगी हूँ, मैं आज सुबह का सूरज देख पा रही हूँ या पा रहा हूँ, दैट मीन्स वी आर अलाइव। तो जस्ट पे ग्रैटिट्यूड, ओके। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखेंगे और जर्नी को आप और भी अच्छे से समझ कर आगे बढ़िए। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन की अगर ज़रूरत है, तो ये मेरा वीडियो, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले चेक कर लें कि आप ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक पर्सन। उसके बाद इनर वर्क रिलेटेड अगर कुछ जानना हो, या आप इस जर्नी में अब तक कहाँ तक आप पहुँचे हैं, या पर्सनल लाइफ सिचुएशन रिलेटेड कोई भी रीडिंग, करियर रिलेटेड रीडिंग, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड रीडिंग, अगर आपको कुछ भी यू नो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज
करके फीस जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।